उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। मेनका गांधी जो इशारा कर रही हैं, वरुण गांधी के जो तेवर देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं कि सुल्तानपुर और पीलीभीत, ये दोनों जगह बीजेपी के लिए एक मुश्किल का सौदा यूपी के आगामी चुनाव में साबित हो सकते हैं। मेनका गांधी हालांकि पहले कह चुकी हैं कि वो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ बनी रहेंगी, टिकट देना नहीं देना ये आलाकमान का निर्णय होगा। वरुण को लेकर भी उन्होंने बचाव किया था, हालांकि थोड़ा समय हो गया है उनके इस पिछले बयान को लेकर। वरुण गांधी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर कई मंत्रियों पर, अपनी पार्टी के मंत्रियों पर, योगी सरकार के मंत्रियों पर हमला करते दिखाई दिए अपरोक्ष रूप से, और क्योंकि मंत्रियों ने उन पर पलटवार किया तो इससे स्पष्ट हो गया कि किस तरह की तनातनी पीलीभीत में भी देखने को मिल रही। मेनका गांधी ने जो नया कदम उठाया, जो नई बात की है, वो बहुत चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने धरना दे रहे पहलवानों का समर्थन किया है। मेनका गांधी ने कहा है कि उन्हें ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, वो चाहती हैं कि उन्हें न्याय मिले। और ये छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। बीजेपी की तरफ से अभी तक आपने ऑफिशियली इस पर कोई टिप्पणी इस तरह की नहीं सुनी है जो समर्थन करते दिखाई दी। पीटी उषा वहाँ पर जाकर मिल रही हैं, बात कर रही हैं, इसकी तस्वीरें भी आज सामने आई हैं। निश्चित तौर पर वो समझना चाह रही हैं कि इनकी मांगे क्या हैं, क्या बातें हैं, उनको बेहतर जो कमेटी बनाई गई है इस मामले को समझने की कोशिश कर रही हैं। तो सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, क्योंकि मामला धीरे धीरे किस तरह से राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। पहलवान बेशक कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक मंच ना बनाया जाए, हम इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन एक के बाद एक कई बड़े राजनेता इस मंच पर पहुँच चुके हैं। सत्यपाल मलिक तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जब तक गिरफ्तारी ना हो, न्याय ना मिले, सिर्फ FIR के दम पर अपना धरना समाप्त ना करें। प्रियंका भी कर्नाटक के बीच से यहाँ पर आई और फिर कर्नाटक जाकर प्रचार कर रही, तो कर्नाटक के व्यस्त शेड्यूल के बीच में उनका जंतर मंतर पर पहुंचना स्पष्ट बताता है कि वो इसको कितना महत्वपूर्ण मान रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो CBI की जांच के दायरे में हैं, पूछताछ के बाद या उनके मंत्रियों का जेल में होना, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इसके आरोपों से घिरा, इसके बाद वो इस मंच पर जाते हैं, तो समझा जा सकता है कि इस मंच को उन्होंने कितना मुफीद अपने लिए पाया। दरअसल इससे हरियाणा की पूरी सियासत को भी साधा जा रहा है, चाहे खाप पंचायतें हों, चाहे किसान संगठन हो, ये सब भी कहीं ना कहीं समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बीच में मेनका गांधी का समर्थन बहुत महत्व की बात है, बड़ा इशारा करता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने भाजपा के ही सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए ये धरना प्रदर्शन शुरू किया था। भाजपा के सीनियर नेता हैं ब्रजभूषण सिंह, सांसद हैं, उन आरोप के चलते ज़्यादातर नेता इस पर बोलते नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने उनके संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में इस पर सवाल हुआ तो इसका जवाब दिया। ऐसे में भाजपा सांसद मेनका गांधी के संक्षिप्त समर्थन से इन पहलवानों को बल मिलेगा, विपक्षी मुखर हो सकते हैं। मेनका गांधी का भी एक स्टैंड समझ में आता है कि वो अपनी बात रख रही हैं, बेशक वो पार्टी की लाइन हो नहीं हो, लेकिन और मेनका गांधी जानी भी जाती, बहुत सीनियर नेता हैं, वो मंत्री भी रह चुकी हैं पिछले टेन्योर में प्रधानमंत्री मोदी के, बेशक इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया, ये एक नाराज़गी का विषय भी है वरुण गांधी के लिए भी। मेनका गांधी ने खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं की, लेकिन गाये बगाए वरुण गांधी की नाराज़गी बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आती रही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने धरने पर बैठे और जो महिला पहलवान खासतौर पर बैठी हैं उनके लिए भगवान से न्याय की मांग की है। दरअसल मेनका गांधी अपने 4 दिवसीय दौरे पर जिले में पहुंची। मेनका गांधी से जब धरने पर बैठी महिला पहलवानों के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही नपे तुले शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा, धरने पर बैठी महिला पहलवानों के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये अफसोस की बात है, भगवान करे उन्हें न्याय मिले। वहीं मंगलवार को चुनावी सभा के दौरान मेनका गांधी ने यूपी में माफियाओं पर हुई कार्रवाई की भी तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की कार्रवाई से माफिया अपने घरों में दुबक गए हैं। उन्होंने कहा था कि आम आदमी शराफत से रहना चाहता है, वो चाहता है कि वो बिना किसी से डरे अपना जीवन यापन करे। इस तरह चुनाव प्रचार के बहाने मेनका गांधी ने सरकार की तारीफ भी की। यूपी निकाय चुनाव चल रहे हैं, यूपी निकाय चुनाव में मेनका गांधी या वरुण गांधी का किसी भी अपने कैंडिडेट के पक्ष में रैलियां नहीं करना, क्योंकि सांसदों की भी जिम्मेदारी दी जाती है, तो यहाँ पर यूपी निकाय चुनाव में एक्टिव नहीं होना ये भी पार्टी को कहीं खटक रहा है। और ये एक स्टैंड दोनों माँ बेटे का बताता है कि क्या वो पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं, क्या आगामी चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, कि सुबुगाहट जो है उसको कुछ दम हो सकता है, या कम से कम ये लोग इसको सही मान रहे हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई नामी पहलवान अभी जब भाजपा के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो इस पर मेनका गांधी का बयान आया है। हालांकि उन्होंने बहुत नपे तुले अंदाज में कहा है कि वो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है इस विषय में और भगवान करे इन्हें न्याय मिले।
ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप हैं। पहलवानों ने सैकड़ों लड़कियों के शोषण का आरोप लगा दिया तो ब्रजभूषण ने इन सभी आरोपों को नकारा। वहीं पहलवानों के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की, लेकिन पहलवान धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। वो इन्हें कुश्ती संघ से हटाने और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रियंका भी मिल चुकी हैं इन पहलवानों से। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने को जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से मुलाकात की थी। उन्होंने धरने में खिलाड़ियों को अपना साथ दिया। प्रियंका ने इस दौरान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से काफ़ी देर तक बातचीत की थी। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। पहलवानों से मुलाकात करने के बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने पूछा था कि प्रधानमंत्री ने पहलवानों से अब तक बात क्यों नहीं की है। प्रियंका गांधी ने पहलवानों से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि जब ये पहलवान पदक जीतते हैं तो हम सभी ट्वीट करते हैं और गर्व महसूस करते हैं, लेकिन आज ये सड़क पर बैठे हैं और इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ये सभी महिला पहलवान इस मकाम तक आने के लिए काफ़ी संघर्ष कर, और मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि सरकार उन्हें यानी ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों बचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने पूछा था, मुझे पीएम से कोई उम्मीद नहीं है, मेडल लेकर आए तो घर बुलाया, अब क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्योंकि अगर उन्हें पहलवानों की चिंता है तो उन्होंने अभी तक उनसे बात क्यों नहीं की है। देश खिलाड़ियों के साथ खड़ा है, मुझे गर्व है कि पहलवान ऐसी चीज़ के लिए खड़े हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया था कि जाँच चल रही है तो अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। 23 अप्रैल से बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज रेसलर्स जंतर मंतर पर अनिश्चितकाल के लिए बैठे हुए हैं। इस सबके बीच में मेनका गांधी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने पहलवानों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भगवान उन्हें न्याय दिलाएंगे, उनके लिए मैं भगवान से न्याय की उम्मीद करती हूं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बीजेपी की तरफ से अभी औपचारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह से मामला गरमा रहा है, जिस तरह से इसको पहलवान गैर राजनीतिक मंच बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी इस मामले को सुलझाने के कुछ प्रयास कर रही है। पीटी उषा भी मिलने के लिए पहुंची है पहलवानों से। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या होता है। लेकिन मेनका गांधी की सियासत बिल्कुल अलग है। इस मामले पर एक छोटी सी टिप्पणी उन्होंने की है, लेकिन इससे अंदाजे और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ये बीजेपी से उनकी भी दूरियों को दिखाता है। हालांकि वो अपनी पार्टी की तारीफ भी करती रही हैं, माफिया एनकाउंटर को लेके उन्होंने तारीफ की, योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी काफ़ी चर्चा में रही थी हाल के दिनों में, वरुण गांधी का भी उन्होंने बचाव किया था, पार्टी पर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो ये सारी बातें हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि क्या ये संकेत अपने शीर्ष नेतृत्व को दिया जा रहा है मेनका गांधी वरुण गांधी की तरफ से, या फिर बीजेपी खुद भी विचार करेगी अब भी इन लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी इन्हें टिकट दे सकती है। और अभी यहाँ पर सारी बात जो सिमट कर आती है वो इस पर है कि सुल्तानपुर और पीलीभीत से दोबारा मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट मिलता है नहीं मिलता है। नहीं मिलता है कि सूरत में अपने लंबे समय से संसदीय, दशकों से संसदीय क्षेत्र रहे, इन क्षेत्रों में वरुण गांधी और मेनका गांधी किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगे, किसी के समर्थन के साथ, किसी अन्य पार्टी के साथ, निर्दलीय, या फिर बीजेपी दोबारा टिकट देगी, बड़ा सवाल। मन से उजाला कर चले।